पेड़ में ऐसे करके सेब खाने में बहुत मजा आता है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, नया वीडियो स्टार्ट हो चुका है उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। कल मैं पुग गया था उत्तराखंड, तो आज यहाँ के नजारे देख रहा हूँ, क्या ही जबरदस्त वाले हैं। और यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है अभी, और पछाड़ी देख सकते हैं पूरा धुंधी धुंध लगा हुआ है। नतरी उधर पहाड़ी अगलो अगलो पहाड़ दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है, जब बारिश रुकेगी तब दिखाऊंगा। अभी मैं छाता लेके जा रहा था जंगल में। ये देख सकते हैं पछाड़ी का नज़ारा, ये देखो पूरा धुंध लगा है उस साइड को। और इधर देखो सेव का पेड़ है सारा इधर इधर, अभी दिखाता हूँ पास से। और देखो पहाड़ों में कैसा होता है, पानी पानी, इधर घास है पूरा। मैंने तो हाफ पैंट लगाया, नतरी सारा भीग जाता। जब मैं कर्नाटक हम्पी में था तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ तो चिल्लो बाटो था, कुछ नहीं, बारिश होगा कोई कुछ नहीं, पूरा रोड चिल्लो होगा, कोई घास नहीं, मजा का था उधर तो। और ये देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, एप्पल्स के बीच में। पहले मैं कहाँ था, नीचे प्लेन एरिया में, अभी मैं एप्पल वैली पहुँच चुका हूँ उत्तराखंड की। तो गाइस, आज हमारा प्लान था कि एप्पल तोड़ेंगे, बट अभी बारिश ने चौपट किया है, अभी हल्की बारिश हो रही है। जैसे बारिश रुकेगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पर देखो पहाड़ी भेड़ा, और इसका सिंग देखो किस तरह का मुड़ा होता है, ये देखो। क्या चाहिए तेरे को? ये भेड़ी है, वो भेड़ा है उधर काला वाला, पता नहीं क्या है। और यहाँ पर देखो काला माल। तो गाइस अभी दिन का बज गया है 2, अभी मस्त चिलचिलाती धूप लग गया है, देखो कितना तगड़ा धूप लगा है। आसमान में अलीली बादल है, बाकी पूरा धूप निकला है बीच में से। और देखो पछाड़ी नजारा, क्या खतरनाक पहाड़ है ये, देखो उत्तराखंड के कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो अभी खाना पीना तो हो गया, तो मैं खाने जा रहा हूँ फ्रेश एप्पल स्पेड से निकाल कर, उसका ना एक अलग ही आनंद है। और सो टेस्टी, कितना टेस्टी होता है, जो बाजार में आता है ना सेब, उससे बिल्कुल अलग होता है टेस्ट। तो खा के देखते हैं। ये देखो एप्पल का पेड़, इसमें लगे हैं थोड़े थोड़े, बाकी इसमें से बीच बीच में तोड़ दिया है रेड रेड वाला, ये भी लगभग रेड हो चुका है, तो इसको भी हम तोड़ देंगे एक दो दिन से। तो वहाँ पर देखो वो दिख रहा है बहुत ज्यादा रेड, तो उसको तोड़ते हैं। ये देखो टूट गया है, तो गाइज एप्पल तो खा लिया है, अब खाएंगे हम पहाड़ी ककड़ी, तो इसको पहले काट लेते हैं। चटनी हमारी रेडी है, हमारी ककड़ी खा लिया है। अब हम इसको खाएगा इस तरीके से, बहुत अच्छा है और बहुत तेज है मिर्च, कान का बूटा चिक का पार दिया यार। बहुत ये मिया नहीं है, ये मिया नहीं, पूरा धुआं निकल गया। शुगर खाना पड़ेगा, थोड़ा शुगर खा लिया और खाना पड़ेगा। शाम हो चली है और मैं आ गया हूँ सेब के बगीचे में। वो चिड़िया आता है ना शाम शाम को, इनको खाता है सेब को, तो उनको भगाने के लिए। इधर देख सकते हैं इधर सारा सेब का पेड़ है, इधर 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 इधर, यहाँ से लेकर ऊ माती समा, उधर भी जंगल है, घना जंगल तगड़ा, उधर बाघ भूख भी होता है, बाघ भालू। और इधर देख सकते हैं रास्ते में कती घास है यार, पूरा इधर खुट्टा में लग रहा है, काट भी देता है यार, सुबह मेरे को यहाँ पे काट दिया। यहाँ पर घास ही घास है, रास्ता दिखता ही नहीं है बरसात में, क्योंकि घास लंबा हो जाता है ना बहुत, अभी इधर गिरने का डर है। ना गाइस, पेड़ में ऐसे करके सेब खाने में बहुत मजा आता है, बचपन में हम बहुत खाते थे और इन सेबों में धनुष बाण बना के निशाना मारते थे। सेब तो सेब आया, बीमा भी टूट गया, अब इसमें अगले साल सेब नहीं लगेगा। आज तो सेब ही सेब है, अब तो 31 तारीख तक सेब खाने को मिलेगा,
उसके बाद घर चल जाऊंगा तो वहां पर टमाटर और शिमला मिर्च खाने को मिलेगा और कुछ नहीं। ऐसे बहुत मोलो है। कि ना कि ये पीछे से ना चिड़िया ने खाया हुआ है, जो चिड़िया ने खाया होता है ना वो बहुत ज्यादा मीठा होता है। और ज्यादा सेब खाना भी खतरा है यार, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा सेब खाओगे ना तो छेरपट्टी लगता है यार, बहुत छेरपट्टी बोले तो दस्त लगता है दस्त। तो गाइस अब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही दिखाऊंगा, आप लोग जाओ अपना काम करो, हम अब चिड़िया भगाएंगे फिर रात होगा घर जाएंगे। तो गाइस डेली ब्लॉग आएगा अब उत्तराखंड हिमाचल से, यहाँ का वीडियो देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे अर्को ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।